हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले? मैं ISI हूँ, वर्ल्ड नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान आर्मी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, तो ले आए आप लोग रिक्वेस्ट पे। आप क्या बताए, चले देखते हैं। मैं ISI हूँ, ISI हूँ, कैसा सॉन्ग है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाउ वी गो, क्या ISI क्यों नहीं बोला जाता? ISI, let's see, देखते हैं। मैं ISI हूँ। मुझे कोई नहीं जानता। ओके। मैं और मेरे काम दुनिया की नजरों से हमेशा ओझल रहते हैं। ओके। मतलब छुपके काम करते, बहुत ही मतलब हो सकता है मैं आपके आस पास ही कहीं हूँ। क्या पता, मैं आईएसआई कैमरा उठाए खबरों की तलाश में भागता कोई सहाफी, क्लास में पढ़ाता हुआ कोई प्रोफेसर, या वो फकीर जो एक अरसे से हिंदुस्तान की फौजी तनसीबात के आस पास घूम रहा है, या फिर बरतानिया और अमरीका जाने वाले बिजनेसमैन में से भी कोई हो सकता है, या फिर आप ही की मस्जिद का इमाम भी तो हो सकता हूँ। हो सकता है मैं किसी कंप्यूटर के सामने बैठा किसी गहरी सोच में गर्क एक हैकर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूब पे बैठा हुआ एजेंट, जासूस, स्पाय। दुनिया फकत मुझे इन्हीं नामों से जानती है, लेकिन मैं अपने दुश्मनों में घुल मिल जाता हूं। हर सुबह हर मोड़ मेरी शिनाख्त बदलती है। मैं घात लगाता हूं और अनजाने में अपने दुश्मन को जा दबोचता हूं। मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब तक दुश्मन को मेरी समझ आती है, मैं अपना काम मुकम्मल करके उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होता। बाज दफा यूं भी होता है कि किसी अनजान मिशन के अनजान मोड़ पर मैं मारा जाता हूं, लेकिन किसी को मेरी मौत की खबर तक नहीं होती। जैसे पतझड़ में पेड़ से कोई सूखा पत्ता जमीन पर आ गिरता है, किसी सराई मट्टी में चुपके से दफना दिया जाता है। अगर जिंदा बच जाऊं तो दुश्मन की किसी काल कोठरी में अपनी मौत का इंतजार करता रहता हूं, और मेरे लोग मेरे नाम और मेरे काम से बेखबर कभी नहीं जान पाते कि मैं कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। लेकिन मुझे परवाह नहीं कि कोई मेरा नाम और मेरा काम जाने। जी हां, मैं पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर, मैं ISI। कैसी लगी आपको ये? और देखा मतलब ISI कैसी है इंटेलिजेंस एजेंसी, जो मतलब बिल्कुल छुपके काम करती है, कोई पता नहीं कि आपका मतलब के कोई ड्राइवर भी हो सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, कोई फकीर भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई यूट्यूब पर बैठा है ऐसे आपसे बात करने वाला भी हो सकता है। और मज़ा आ गया इस वीडियो का, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो आप भी कमेंट करके बता, आपने कभी रियल में कोई ऐसी चीज़ नोटिस की हो, आपको शक हुआ ये ISI का बंदा तो नहीं है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ हुआ है। एक फ़कीर पे मुझे शक था कि ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, और क्योंकि ना उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, मैंने उसको इंग्लिश बोलते सुन लिया, मैं हैरान हो गया यार, ये इंग्लिश अच्छी कैसे बोल रहा है। तो आप भी कमेंट करके बताना ऐसा आपके साथ कुछ हुआ हो तो बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।